हेलो एंड गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे आपकी थर्ड पोइम जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू के बारे में पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसके पोइट कौन थे, ये क्यों लिखी है और कब लिखी गई। अ टाइगर इन द जू के जो कंपोज जिन्होंने की है उनका नाम है लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस का पूरा नाम जॉर्ज लेस्ली नॉरिस था। आपका जन्म 21 मई 1921 में हुआ था और आपकी मृत्यु 6 अप्रैल 2006 में हुई थी। हालांकि ये आपके सब्जेक्ट में जो सिलेबस में क्वेश्चन जो आते हैं वो ये क्वेश्चन नहीं आते हैं कि मृत्यु कब हुई और जन्म कब हुआ, लेकिन नाम के बारे में पूछ लेते हैं कि अ टाइगर इन द जू किसने लिखी है, इस तरीके से ये पूछ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि आप किस तरीके के पोइट थे। आप भी बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया एक पोइट थे, लेकिन आपको जो प्रसिद्धि मिली है वो शॉर्ट स्टोरी से मिली है। अब हम बात करते हैं आपकी पोइम के बारे में कि जो पोइम आपकी लगी हुई है सब्जेक्ट में सिलेबस में अ टाइगर इन द जू। इस अ टाइगर इन द जू में ये कहानी, ये स्टोरी जो है, ये पोइम जो है कई प्लेसेस को बताती है और हमको कहीं जहाँ पर लेके जाती है। सबसे पहले ये जो स्टार्टिंग में ये 4 लाइन्स जो स्टार्ट होती हैं, ये पोइम हमें बताती है कि एक जू के अंदर एक टाइगर है और एक उस वो टाइगर एक केव के अंदर है, एक पिंजरे के अंदर है। वो चल रहा है और कुछ समय के बाद फिर वो बैठ जाता है। उसके पैर का वर्णन किया गया है कि उसके पैर हमको कैसे लग रहे हैं। अगली 4 लाइन्स में बताया जाता है कि टाइगर का जो हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है, जस्ट लाइक सेम अपनी अपनी टाइगर की भी होती है। टाइगर का काम है शिकार करना, टाइगर का काम है कि अपने शिकार को पकड़ना। और यहाँ पर कंपेयर भी किया गया है, अगली लाइनों में कंपेयर किया गया है, एक टाइगर जो पिंजरे के अंदर बंद है उसकी गतिविधि, उसके रिएक्शन क्या होते हैं, और एक टाइगर जो जंगल के अंदर है, फॉरेस्ट के अंदर है, उसके एक्टिविटी क्या होती हैं। अगली 4 लाइनों में फिर बताया गया है कि एक टाइगर वो जंगल के अंदर है और जंगल सटा हुआ मिला पड़ोस में एक गांव है, उस गांव के अंदर लोग रह रहे हैं, उनका जीवन बताया गया है कि वो किस तरीके से उस टाइगर अपने आप को उस टाइगर से किस तरीके से बचाते हैं और वो टाइगर अपने शिकार में किस तरीके से रहता है। अगली अगर हम और बात करें, यहाँ पर कवि ने एक खास बात और दिखाई है हमको, वो ये है कि मोस्टली हम लोग, और 100% ये क्लियर बात है कि हम लोग एनिमल के लिए इट का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस पोइम के अंदर कवि ने यहाँ पर ही हिज जैसे सब वर्ड लेटर्स का यूज़ किया है, वर्ड का यूज़ किया है। अगर हम बात करें इस पोइम के बारे में तो हम समझने का प्रयास करते हैं, लाइन टू लाइन इसकी मीनिंग समझते हैं, पोइट हमें इसके माध्यम से क्या बताना चाहता है। पोइम का नाम है अ टाइगर इन द जू, इसको लिखा है जॉर्ज लेस्ली नॉरिस ने। चलिए हम शुरू करते हैं इस पोइम के बारे में जो लेस्ली कहते हैं ही स्टार्ट्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। क्या कहते हैं? ही स्टार्ट्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। अब ही का यूज हो गया है, यानी कि एनिमल के लिए दिया गया है। यहां पर कंपेयर भी किया गया है, पॉइंट हमको बताते हैं, अपने आप से भी कंपेयर करते हैं, एक मनुष्य जाति से कंपेयर करते हैं एक एनिमल का। अब आगे बताएंगे कि किस तरीके से कंपेयर किया गया है। अगर हम स्टार की बात करें तो ही स्टार्स यानी कि बहुत ही शान से चलता है। कौन चलता है? टाइगर। यहां पर कह रहे हैं बहुत ही शान से, कह रहे हैं कि जब जू के अंदर हमने पिंजरे केज के अंदर उसको देखा, किसको देखा? टाइगर को। वो किस शान से चल रहा था, आगे बताते हैं। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, इन हिज विविड, विविड यानी कि चमकीले, और स्ट्राइप्स अपने स्ट्राइप्स में, कह रहे हैं किस तरीके से वो अपने चमकीले अंदाज में रहता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अब क्या हो गया, कह रहे हैं द फ्यू, फ्यू मीन्स हो गया कुछ स्टेप्स, यानी के क्या लेता है, कदम, कुछ कदम लेता है, कैसे ऑफ हिज केज यानी कि अपनी गुफा, अपनी जो उसकी जो जो केज होती है, पिंजड़ा होता है, उसके अंदर क्या करता है, कुछ कदम लेता है। पोइट कह रहा है कुछ कदम लेता है, उसके बाद क्या होता है, अब देखिए क्या होता है, क्या कहता है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट क्वाइट। अब क्या कर रहा है, ऑन पैड्स, अगर हम पैड की बात करें तो उसके क्या हो गए, क्या हो गए, पैर के तलवे,
पैड्स यानी कि उसके तलवे, आपने देखा होगा टाइगर जो होता है उसके तलवे कितने होते हैं, कठोस कर्रे, ताकि वो अपने शिकार को कर सके। लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि जो केज के अंदर, पिंजरे के अंदर जो टाइगर रहता है उसके कैसे दिखते हैं, बता रहा है इन हिज ऑन पैड्स आप वेलवेट क्वाइट, और उसके कैसे लग रहे थे, बहुत ही क्वाइट यानी शानदार, शानदार शांत नहीं सॉफ्ट, कैसे वेलवेट जैसे, मुलायम यानी मखमल जैसे। उसके पैर कैसे थे जब वो बैठा, तो हम कह रहे हैं पॉइंट कर रहा है, मैंने उसको देखा कि उसके जो पैर थे जो केज के अंदर जब वो टाइगर था उसके बहुत ही सॉफ्ट, उसके वेलवेट जैसे यानी के मखमल जैसे, बहुत मुलायम सॉफ्ट जैसे दिख रहे थे। अगली फोर लाइन क्या कहता है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब अगली लाइन की कहां, जंगल में पॉइंट पहुंच जाता है, अब वहां का वर्णन कर रहा है, क्या कह रहा है कि वहां पर अब बता रहा है अब किसके बारे में, लार्किन के बारे में, अब क्या क्या कह रहा है, इन हिज शैडो अब स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। अब क्या कह रहा है कभी कि आपने देखा होगा कि पेड़ की छांव है वहां पर कौन, टाइगर, जो जंगल का टाइगर होता है वो बैठा हुआ होता है, किस लिए, अपने शिकार की तलाश में, कैसे बैठा हुआ होता है, कहां पर होता है, स्लाइडिंग थ्रू अ लॉन्ग ग्रास यानी कि जो घास होती है उसमें स्लाइड करे हुए होता है और तलाश में होता है, किसकी तलाश में, नियर द वाटर होल, और वाटर होल जहां पर होल होता है, जैसे जहां पर पानी का स्रोत हो, जैसे मान लीजिए कि सरोवर, तालाब, नदी, इस तरीके से वहां पर वो बैठा हुआ होता है, काय की तलाश में, अपने शिकार की तलाश में। आगे वेयर प्लम्स डियर पास, अब क्या कह रहे हैं, वेयर यानी कि वहां या वहां क्या होता है, क्या करते हैं, प्लम्स करते हैं वहां पर, मोटे ताजे, कैसे, मोटे ताजे यानी कि उसके जो उसका जो भोजन मिलने वाला होता है वो मोटे ताजे एनिमल में मिलने वाला होता है, वो वहां पर स्लाइड करे हुए होता है, रेंगता हुआ, क्या करता है, स्लाइडिंग, सरकता हुआ वहां पर वो जाता है। ये लाइन चार हो गई, अगली फोर लाइन देखते हैं, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड द हाउसेस। अब कहां पहुंच गया है, अब ये कभी पहुंच जाता है कहां पर, वो ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर जंगल है और कुछ ग्रामीण लोग वहां पर बसे हुए हैं, रह रहे हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है, अब देखिए यहां पर, ही शुड बी स्नॉर्लिंग, स्नॉर्लिंग माने दहाड़ता है, शेर का काम क्या होता है, दहाड़ना, अब वो शेर कहां दहाड़ पाएगा जो पिंजरे के अंदर बंद है, क्या कह रहा है, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड द हाउसेस, वो जहां पर वो जंगल के किनारे मकान बने हुए हैं, हाउस बने हुए हैं, वहां पर वो दहाड़ रहा है, लोग उसकी आवाज सुन के क्या हो रहे हैं, फ्राइट, डर रहे हैं, डरे हुए हैं, भयभीत हैं उसकी आवाज से। आगे देखिए, एट द जंगल्स, एट द जंगल्स एज, एज भी हो गया किराना, किनारा, अब आपने देखा होगा एज होता है, ए जी एज, एज वो आयु और उम्र वाला होता है, लेकिन ए, ये एज कौन सा है, ई डी जी ई, एज, एज मीन्स किनारा, वो किनारा चाहे समुद्र का हो, वो बैंक कहा जाता है समुद्र किनारे को, ये यहाँ पर किनारा लिया गया है, ठीक है, वो बैंक, समुद्र किनारा उसको बैंक बोलते हैं, बैंक के मुराद बाध्यान आया, बैंक, बैंक की शाखा भी होती है, जो बैंक होती है आपको उसकी शाखा भी होती है, और उसको जैसे ब्रांच लोग बोल देते हैं, बैंक, बैंक यानी के कहीं पर। आगे देखिए, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, अब क्लॉज माने क्या हो गया, पंजे, और बेरिंग यानी नंगे, वो अपने नंगे पैर, कुछ पैरों में होता नहीं है लेकिन वो नंगे पैर चलता है वहां पर, कहां पर, उस जंगल के चारों ओर जहां पर ग्रामीण क्षेत्र रहे हुए हैं, उसकी आवाज सुन के क्या होता है, लोग भयभीत हो जाते हैं, कौन से वाले टाइगर से, जो जंगल में रहा होता है। आगे वर्णन करेंगे कि जो जो टाइगर बंद है केज के अंदर वो खुद भयभीत हो जाता है आवाजों से। आगे देखिए, बेरिंग हिज वाइट सफेद फैंग्स हिज क्लॉज, अब आगे देख लेते हैं, टेरोजिंग द विलेज, अब क्या करता है, गांव के लोगों को डरा देता है, भयभीत कर देता है। अब ये 12 लाइनें आपकी हो गई, अब हम बात करते हैं अगली नेक्स्ट 4 लाइन के बारे में, वहां पर क्या कहता है, बट ही इज लॉन्ग इन अ
कॉन्क्रीट सेल। अब फिर कभी कहाँ था पहले? पहले जू में था, फिर जहाँ जंगल पहुंचा, फिर ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचा, अब कभी लौट के फिर आ जाता है। कहाँ आ रहा है? अब आ रहा है उसकी गुफा की तरफ। गुफा कहाँ है? वही कॉटेज यानी कि कुटिया। कुटिया कौन सी वाली है? केज यानी कि उसका पिंजड़ा। वहां आ जाता है, अब काय का बना हुआ है। बट आप क्या कर रहे हैं? बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। और क्या होता है? दो चीजें दी गई हैं कि वो लोग लॉक हो जाते हैं। कहाँ लॉक हो जाते हैं? अपनी कॉन्क्रीट यानी कि जो ईंट पत्थर की बनी हुई सेल यानी कुटिया, उसमें वो पैक हो जाते हैं। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। अब हिज स्ट्रेंथ उसकी ताकत बार्स यानी कि बार्स माने सलाखें। कहाँ उसकी ताकत कहाँ बंद हो जाती है? उसकी सलाखों के अंदर यानी कि जो पिंजड़ा है वो सलाखों का बना हुआ है, उस सलाखों के अंदर शेर जो है वो अंदर बंद है। आगे देखते हैं हिज स्ट्रेंथ यानी कि हिज कर लिया गया हिज यानी कि टाइगर। टाइगर की स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार। तभी यहाँ पर अपनी फीलिंग भी शेयर कर रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति उसके हाथ पर बांध दो। हाथ पर मतलब कभी की जो देखो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस। क्या कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने? कहा है पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स यानी कि इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करती है। पोइम कहाँ होती? आपकी कल्पनाओं के ऊपर। और आपकी कल्पनाएं आपकी सोच को हम बांध के रख दें तो आप सोच नहीं पाएंगे। ठीक कभी यही कह रहा है कि जैसे एक कवि पुरानी हिंदी में कहा कही जाती है जहां ना पहुंचे रवि और वहां पहुंचे कवि यानी कि जहां पर सूर्य की किरणें ना पहुंच पाए वहां पर कौन पहुंच जाता है? कवि की सोच पहुंच जाती है। ठीक यहीं पर कवि कह रहा है कि अगर एक कवि को बांध कर दिया जाए, उसकी सोचों को बांध दिया जाए तो उसकी जो विचारधाराएं हैं वो निकल के बाहर निकल के नहीं आएंगी। हम बात करें कवि यहाँ पर किसकी ओर है? आपने देखा होगा कि आपका जब 1921 में हुआ, 1921 के बाद आपने जो दो सेकंड बर्ड बार था कवि ने वो भी देखा है, कवि ने वो भी देखा है। तो कवि उसके बारे में सोच रहा है कि कवि की उसके दिमाग में सपा चलती हैं जवानी के दिनों में, अपने यंग एज के दिनों में रहा होगा, देखा होगा उसने। स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार। आप देखिए स्टॉकिंग द लैंड ऑफ हिज केज। अब स्टॉकिंग ऑफ हिज केज, अब ये हो गया। अब आगे हम बात करते हैं कि क्या कहता है। इग्नोरिंग द विजिटर्स। अब क्या होता है? वो अपने केज के अंदर है और किसको कर रहा है? इग्नोर कर रहा है किसको? विजिटर्स को। क्यों? आने दो और जाने दो, आने दो और जाने दो, ये कर रहा है। अब अपनी फोर लाइन क्या कह रहा है? He hears the last voice at night. और जो लोग उसको देखने आए थे, कौन आए थे? उस जू में लोग आए थे, वो जाने लगे। फिर यहाँ पर ये भी कह रहा है कि लोग जब जाने लगे तो आपने देखा होगा अपने बस्ती में, अपने क्षेत्र में कि कुछ पुलिस जो है वो गश्त करती है रात में। उस गश्त करने को पेट्रोलिंग कहते हैं। ठीक उसी तरह वो कह रहे हैं कि कुछ लोग कारों से अपनी गाड़ियों से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कभी यहाँ पर बता रहा है He hears, कौन सुनता है? कौन सुन रहा है? टाइगर सुन रहा है। The last voice at night, यानी कि रात की जो आखिरी समय जब होता है उसकी जो आवाजें होती है, वॉइस होती है गाय की रात की। The patrolling cars, और गाय की जो पेट्रोलिंग कर रही है, जो गश्त कर रही है, उन कारों की आवाजों की जो आवाज होती है उनको भी सुनता है। And stares with his brilliant eyes. क्या कर रहा है? And stares. Stares यानी कि वो घूर रहा है। किसको घूर रहा है? With his brilliant eyes. यानी कि उसकी चमकीली जो आंखें हैं वो अपनी चमकीली आंखों से घूर रहा है किसको? जो लोग पेट्रोलिंग करते हुए जा रहे हैं। At the brilliant stars. और फिर क्या कर रहा है? फिर वो अपनी आंखों से ऊपर की ओर स्टार्स को, नहीं तारों को भी देखता है। ये पोइम यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब आशा करते हैं ये आपको पोइम पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम बात करेंगे अगली पोइम के बारे में। आप इस पोइम में देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चिन्ह बने हुए हैं, निशान बने हुए हैं। ये निशान क्यों बने हुए होते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। और हमने पहले भी कहा था कि हम अलग से वीडियो बनाएंगे इसके मीटर के बारे में कि एक पोइम के अंदर किस तरीके का मीटर यूज़ होता है और कभी इसको यूज़ क्यों करता है, ये पोइम के अंदर एक मीटर क्यों लगाया जाता है, और एक चीज़ एक पोइम के अंदर फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ क्यों होता है।
अलंकार का यूज क्यों होता है इसके बारे में भी हम एक वीडियो आपके लिए बनाएंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।